तरह से आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है आप एक लेके जाएं दो ना ले जाएं। चलने के बाद हम चश्मों वालों का ही होता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कैफ़ अहमद, उम्मीद करता हूँ सब खैर होंगे। वेलकम आप लोग एक नए ब्लॉग में। तो भैया आज थंबनेल से देख के पता चल गया होगा मैंने क्या लिया है। तो जी हाँ, मैंने अपनी राहों का सहारा खोज लिया है, मतलब साइकिल। बहुत ज़रूरत थी मुझे इस चीज़ की, वो मैंने ले ली है। हाँ बस कार वगैरह का बजट नहीं है, नहीं तो हम कार लेने वाले थे और बाइक लेने का सोच रहे थे, लेकिन बाइक लाइसेंस वगैरह बनवाना पड़ता तो कोई ज़रूरी नहीं है उसका। वैसे भी गर्मी है, साइकिल लो बाइक लो एक ही बराबर है, कौन सा हमें कहाँ कितनी दूर जाना रहता है। तो हमारे आसपास जो है वो बीच है, अलबकरा बीच, तो वहाँ पर पैदल जाने में हालत ख़राब होती है क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी पर वो हमारे इलाके से, तो साइकिल रहती है तो आसानी होती है। तो हमने साइकिल ले ली है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कितने की मिली है और इसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे कि इसमें खासियत क्या है। तो फिर बने रहें। अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो भाई इसमें भर भर की खासियत है। सबसे पहली खासियत जो है वो इसमें ये है कि इसमें 2 टायर दिए गए हुए हैं, एक पीछे दिया हुआ है और एक आगे दिया हुआ है। और इसमें जो मेन खासियत है, जो सबसे बेहतरीन खासियत है, वो है भैया इसकी ये ब्रेक। अगर आप लड़की हैं और आपको साइकिल रोकनी है तो अब आपको पैरों की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ब्रेक दबाएं और यूँ साइकिल रुक जाएगी। इसमें डिस्क दी हुई है और सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है। भाई गाली मत दीजिएगा कमेंट में कि यार ये क्या कह रहे हो लड़कियों, नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसकी मेन सारी खासियत है इसका टायर है, इसमें ये ब्रेक दी हुई है। और तो और भैया लोग इसमें देखें आप क्या दिया हुआ है, गियर, इसमें गियर दिया गया हुआ है। और प्लस साइकिल को खड़ा करने के लिए इसमें बहुत ही ख़ास तरीके का ये स्टैंड दिया गया हुआ है। और दिखने में जो लगती सारे पैसे इसके भैया, बहुत प्यारी साइकिल है ये। एक नज़र आप इस तरह से देखें। फिलहाल हम इसको चलाएंगे, उसके बाद जिस किसी को चाहिए होगी वो कमेंट करें मुझे या इंस्टा पे आके मुझे फॉलो करें, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, वहाँ DM करेगा। जिस किसी को भी चाहिए होगी मैं भेज दूँगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, अभी हम इसको चलाएंगे, मज़े लेंगे, उसके बाद फिर बेचेंगे। तो फिलहाल ये कुछ साइकिल थी और देख सकते हैं आप सूरज डूब रहा है और सामने वहाँ पे प्लेन भी जा रहा है। तो फिलहाल अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं बीच की तरफ। अगर सूरज मतलब दिन ढलने से पहले हम पहुँच जाएँ तो आपको हम कुछ अच्छी सीन दिखा सकते हैं। तो घर से हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं अब जहाँ पे मैं जब बकरा आया था पहली बार जिस बीच पर आया था, बस मैं वहाँ जा रहा हूँ। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे और मुझे भी देख रहे होंगे, सामने वो रहा बीच, समुद्र का पानी नज़र आने लगा है। तो इस टाइम हम इंटर कर चुके हैं बीच में और ये पार्किंग वाला एरिया है और सामने की सीन कुछ ये है। तो हमने अपनी साइकिल को यहाँ पार्क कर दिया है और लॉक भी लगा दिया है और हम चलते हैं उधर। जब पिछली बार मैं आया था तो यहाँ की जो सारी लाइटें अब तक जल गई थी, लेकिन शायद ये अब बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्या सीन है, अभी तक लाइटें नहीं जल रही हैं। लेकिन यार ये लहरों को आप देखें, चल के आपको दिखाता हूँ, कसम से देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। मज़े के लिए पैर तो इंसान भिगा लेता है समुद्र में, लेकिन बात में यही होता है हाथ में चप्पल भैया और पैर में मिट्टियाँ। और अब हमें जाना है वहाँ पे जहाँ हमने साइकिल खड़ी की थी, तो चलते हैं उसके पास। वैसे मंजर काफ़ी बेहतरीन हो रहा है, सामने लाइटें जल चुकी हैं घरों की और ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम और तेज़ तरीके की। आप ये देखें चाँद को देखें, सामने ही आप सीन देखें। यार यहाँ पे एक बड़ी अजीब चीज़ मुझे ये लगी कि इस बीच पे जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ पे यार ये कि दूर दूर कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, और सिर्फ वहाँ दूर कहीं 2 बंदे नज़र आ रहे हैं बस, बाकी कोई नहीं है। और जब हकीकत रियलिटी बताऊँ, अगर आप समुंदर से इतना वाकिफ़ नहीं है, अगर आप 1-2 बार उसे देख रहे होंगे, तो जब आप उसके कोने पर खड़े होंगे अकेले होंगे तो आपको ये फील होगा, आप ये देखेंगे जैसे कि समुंदर आपको अपने साथ लेकर चला ना जाए कहीं, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उसमें उतरने की। तो मैं भी बस एकदम किनारे पर था, बस लहरें हल्की सी टच होकर जा रही थी मुझसे, जिससे खौफ वाला मंजर था यार। तो इसीलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं गया, बस वहीं बाहर खड़ा था, पैर को यूँ भिगा लिया और भैया अब मैं निकल रहा हूँ चप्पल को हाथ में लिए हुए, आप देख सकते हैं। तो बस यही है और मुझे जाना है, वो मेरी साइकिल जहाँ खड़ी है तो वहाँ चलते हैं और फिर घर जाते हैं। और मगरिब की अजान हो चुकी है और हम सामने मतलब इसी मोहल्ले में एक मस्जिद है, वहाँ हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो फिर दिखाते हैं, मिलते हैं आगे आपसे। साइकिल के पास हम आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप,
लाइटें जो हैं वो जल चुकी हैं, जैसा कि नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो अगर आप वकरा में रहते हैं और आप बीच पर आना चाहते हैं तो मैं नहीं कहूँगा आपको इस वाले बीच पर आ पाएँ, तो जो फैमिली वाला बीच है जहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह हैं उस वाले बीच पर जाएँ, जो कि मैंने वीडियोज़ काफ़ी बनाई हैं उस पर, तो उन आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वो रहेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर आप पानी देखना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, वैसे यहाँ कुछ खास है नहीं। बाकी यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए साइकिल वगैरह चलानी हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये हम अंदर से बाहर आ चुके हैं, जैसा कि आपने मस्जिद अंदर से देखी होगी और आप देख रहे होंगे ये मैं क्या बनाऊँ। तो यार एसी से बाहर निकलने के बाद हम चश्मों वालों का ही होता है। यार इस मस्जिद में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी है, वो है ये, आपको चल के दिखाते हैं कि यहाँ पे गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, उसके लिए देख सकते हैं आप मस्जिद के जस्ट बाहर यहाँ ये फ्रिज रखी हुई है और फ्रिज में इस तरह से पानी रखे हुए हैं। तो बैक कैमरे से इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है आप एक लेके जाएं, दो ना ले जाएं। जाहिर सी बात है फ्री में मिल रहा है और ठंडा मिल रहा है, मेन चीज़ ये है, तो एक लेकर आप जाएँ, दो के चक्कर में ना पड़े। तो जस्ट मैंने अभी एक ले लिया है और इस वक्त हम इंटर होने जा रहे हैं अपने फ्लैट के बेसमेंट में। तो साइकिल लेकर हम जा रहे हैं, बस सामने से कोई आया ना रहो। तो हमने अपनी साइकिल को पार्क कर दिया जैसे कि आप देख सकते हैं और ये है कुछ बेसमेंट का लुक। अब हम चलते हैं अंदर, अंदर मतलब लिफ्ट के पास, बस जल्दी से आ जाए, बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है कसम से, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो अभी हम बेसमेंट में हैं और हम जा रहे हैं दो नंबर पे। तो ये थी कुछ वीडियो आज की, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस पसीना भरा क्या कहते हैं, बस पसीना भरा था होगी, तो फिर लाइक और शेयर कर दें दबा के, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मत करें और नहीं किए हैं तो कर लें। तो हम अपने फ्लैट पहुँच चुके हैं, मतलब रूम में पहुँच चुके हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने यार, बहुत भयंकर नींद भी आ रही है और थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पसीना से पसीना हो चुका हूँ, कल जा रहा हूँ नहाने। चलें फिर, अस्सलाम वालेकुम।